आओ बेटा। आप अभी तक सोए नहीं? बस ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था कि अगले हफ्ते जब मोहलत पूरी हो जाए तो मैं मरियम के भाई से जाकर मिलूं। और उम्मीद करता हूं कि इस बार उसको तारीख देने में कोई एतराज नहीं होगा। यही मैं सैम और टीना की बच्ची को भी समझा रहा था कि हमें शहरी के पास जाके कोई डेट डिसाइड कर लेनी चाहिए एंगेजमेंट की, लेकिन वो तो यूं बच्चों की तरह एक्साइटेड थे जैसे उनका बस ना चले कल ही कोई फंक्शन रखवा दे। एक्चुअली बेटा, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो अपने दोस्त की किसी खुशी में बिल्कुल दीवाने से हो जाते हैं। मुझे एक बात की बहुत खुशी है, तुमने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है लेकिन दोस्त बहुत अच्छे और पक्के पाए हैं। आप परेशान लग रहे हैं, सब खैर तो है? नहीं बेटा। क्या ये परेशानी शहरी के एक्सपेक्टेड जवाब की वजह से नहीं? और अगर है तो ये डर अपने दिल से निकाल लें, मैं मजीद इंतजार कर लूंगा अगर उसे अभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो। मैं कुछ और बात भी सोच रहा था बेटा। मेरे घर में खुशी आ रही है पहली बार। ऐसे ही मैं सोच रहा था कि तुम्हारी माँ को अगर जो अपनी खुशियों के लिए हमें अकेला छोड़कर चली गई, उनका कोई हक नहीं बनता हमारी खुशियों में शामिल हो जाने का। ठीक है बेटा, अब तुम्हारी तमाम शिकायत बजा हैं, बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कभी कभी हमें दूसरों के जज्बात जानने के लिए उनकी जगह पर खड़े होकर महसूस करना है, देखना है कि उनकी क्या मजबूरियां थी। मैं किसी मजबूरी को नहीं मानता जो एक माँ को अपने बच्चे से अलग करने पर मजबूर कर दे। मगर अब्बा, हमारे दरमियान बहुत साल पहले ये बात तय हो चुकी है कि हम इस टॉपिक पर अब बात नहीं करेंगे। मैं इस जुर्म में आपको भी बराबर का कसूरवार समझता हूँ, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कहीं और छोड़कर ना चला जाऊं तो प्लीज ये बात वापस ना दोहराइएगा। कभी कभी हमें दूसरों के जज्बात जानने के लिए उनकी जगह पर खड़े होकर महसूस करना है, देखना है कि उनकी क्या मजबूरियां थी।
मैंने सारी फाइल्स पढ़ ली हैं, आप महलब को भेज देंगे, वो फॉलो अप कर लेंगी, उसके बाद फिर आई विल सी यू लेटर अंकल। अस्सलाम वालेकुम। ओह, क्या हाल है आपका? आई फॉरगॉट दैट तुम इसी हॉस्पिटल में काम करती हो। बट आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो कैंसर वार्ड है ना, सब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं किसी से मिलने आया हूँ यहाँ पे। किससे? कोई अपना, कोई कराया। शैला है यहाँ। शैला? मेरी एक्स वाइफ, आर्यन की माँ। क्या? क्या? आओ मिलवाता हूँ तुम्हें। वो जो कभी तुम्हारा था अब नहीं है। यार बहुत निकम्मा निकला है, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सका। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? निकम्मा इस्फंदियार नहीं, लापरवाह तो मैं ही थी ना हमेशा से, खुद से भी कोई रिश्ता नहीं निभा पाए। तुम बताओ तौकीर, तुम कैसे हो? वैसा ही हूं मैं, उलझा हुआ, टूटा हुआ। पुरानी दरारें अभी भी वैसे ही हैं, भरी नहीं। हमारी आखिरी मुलाकात में तुमने मुझसे वादा किया था तुम घर बसाने का संजीदगी से सोचोगे। हाँ मैंने कई बार संजीदगी से सोचा, लेकिन कोई दूसरी मुझसे संजीदा ही नहीं हुई। शायद तुम्हारे साथ रहते रहते परफेक्शन की आदत पड़ गई थी मुझे। और तुम तो जानती हो परफेक्शन की रिप्लेसमेंट नहीं होते। काश मैं इतनी परफेक्ट होती जितना तुम मुझे समझते रहे। इस फंदियार को कहा भी था मेरी बीमारी की इतना ना दे तुम्हें। ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारी जैसी जिंदा दिल को कैंसर क्या कह सकता है। कैसा है? मुझे तो बिल्कुल याद नहीं करता होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा ही है, मैं आपसे नाराज
लेकिन बहुत जल्द उसकी जिंदगी में कोई आने वाली है जो उसका सारा गुस्सा खत्म कर देगी। रियली? कौन है? मरियम नाम है उसका। आर्यन की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी। मैं लाया हूं उसको साथ अपने, तुमसे मिलवा रहे हैं। बुलाओ। बुला दो। हेलो। हाँ मरियम, कम इन प्लीज। क्यों खड़ी हो बेटा? तेरे पास बोलो आर्यन, कुछ काम था? कई बार आपसे मिलने की कोशिश की, पर आई थिंक आप आजकल काफी बिजी हैं। आपके पीए ने हमेशा इंतजार करने का कहा है। कुछ दिन से मैं ऑफिस कम आ रही हूँ। डच डेलीगेशन आया हुआ, उनके साथ कुछ मसरूफियत थी। आई सी। अब मुझे बाबा बता रहे थे कि कुछ दिन पहले आप हमारे घर आई थी किसी काम से, पर कुछ कहे बिना चली गई। I hope everything is all right. हाँ, वो एक्चुअली उस एरिया में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उससे मिलने गई थी मैं। सोचा तुम्हारे घर से भी पोतियाँ, एक कप कॉफी का हो जाता। तुम नहीं थे तो मैं वापस लौट आई। Sorry. अगर मुझे पता होता कि आप आने वाली हैं तो मैं जरूर वेट करता आपका। Anyways, जब भी आप आना चाहती हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। भाभा भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैं भी एक बार फिर उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हो। बहुत सुना है मैंने तुम्हारे फादर के बारे में। जी, वो एक्चुअली खुद तारुफ करवाने से मना करते हैं, और मैं बोल भी गया था। कोई बात नहीं, तारुफ तो हो गया था उनसे, वो भी ऐसा जो उम्र भर याद रहेगा। थैंक यू। हमारे खानदान में बहुत पुरानी रस्म है, जब अपनी बहू को पहली बार देखते हैं ना तो मुंह दिखाए प्रेजेंट देते हैं। मैं हॉस्पिटल में पड़ी हूँ और कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सनी की पसंद इस छोटे से गिफ्ट को एक्सेप्ट करें।
की क्या जरूरत थी? वैसे भी वो अपने आप को सनी नहीं कहता, अब आर्यन कहता है। मेरे दिया हुआ नाम भी बदल दिया। स्कूल में जब रजिस्टर में उससे अपना नाम बदला था तो प्रिंसिपल ने मुझे कॉल कर बताया था। मुझे ऐसी माँ के बेटे को बिल्कुल यही करना चाहिए था। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? तौकीर सर के सामने नहीं पूछ सकती ना? मैं जानती हूँ क्या सवाल करोगी तुम। यही ना कि तौकीर और मेरी डिवोर्स क्यों हुई? मैं जब तौकीर सर से मिली थी तो बहुत कंफ्यूज थी, पर जब आज आपसे मिली हूँ तो और ज्यादा उलझ गई हूँ, क्योंकि आप तो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे मैंने सोचा था। तुम्हारा मतलब है कि शायद औरत होने के नाते तुम्हें मैं बुरी महसूस नहीं हुई, मैं एक बुरी मां साबित हुई हूं। असफंदियार, तौकीर और मैं एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। असफंदियार हमारे सीनियर थे, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, और तौकीर बिन बताए न जाने कब मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार था। वक्त बदल गया, असफंदियार की कहीं और शादी हो गई। वो उस वक्त फैमिली प्रेशर को रेजिस्ट नहीं कर पाया, मैं बिल्कुल बिखर सी गई थी, और उस वक्त तौकीर ने मुझे सहारा दिया। उस वक्त भी तौकीर को सब पता था, फिर उसने प्रपोज किया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जब सनी हमारी जिंदगी में आया तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी इतनी डगर पे पहुंच गई है। पर उसके बाद क्या हुआ? असफंदियार की बीवी एक्सीडेंट में इंतकाल कर पाई। वो टूटा फूटा हमारी जिंदगी में वापस आ गया। तौकीर और मेरे दरमियान उलझने बढ़ने लगी। औरत को एक बार अपने माजी को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहिए। अगर वो माजी की राख को कुरेदेगी तो एक ना एक चिंगारी जरूर उसके आशियाने को जला देगी। मैंने भी ये गलती की। तौकीर ने बहुत आला जर्फ दिखाया। मुझे मेरी जिंदगी जीने का फैसला उसका हक मेरे हाथ में दे दिया। मैं कमजोर थी, मैं अपने अंदर की कश्मकश से हार गई और फैसला असफंदियार के हक में कर दिया। एक औरत की मोहब्बत जीत गई, लेकिन एक मां हार गई। एक मां हार गई। नहीं, प्लीज प्लीज आप ऐसे मत सोचें। बहुत बुरी मां, बहुत बुरी मां। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं आर्यन को उसकी माँ से जरूर मिलाऊंगी। आप देखिए, आप दोनों फिर से ठीक हो जाएंगे। और आपने कुछ गलत नहीं किया, आप तो खुद इतने बहादुर हैं, ऐसे कैसे हिम्मत हार सकती हैं? मेरा सनी मुझे मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जीती रहो। बस क्या बात है यार, क्या जबरदस्त खबर सुनाई है। अब आए शहरी ऊंट पहाड़ के नीचे, शर्त के आखिरी दिन क्या खबर लेकर आया है तू यार, मैं तो बिल्कुल मायूसी हो गया था। कौन सा हूं, कौन सा पहाड़? अबे यार भाई, अब ना बहुत मजा आने वाला है। उस बंदी का कोई सीन है भाई, वो बहुत तपीली आ रही है हमसे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसको निकाल क्यों नहीं रही है जॉब से। वेरी स्ट्रेंज यार, जबकि जॉब पर भी आर्यन को उसी ने रखा था। मेरे ख्याल से हमें आम खाना चाहिए, हम पेड़ क्यों गिने। क्या चाहिए तुम लोग, कौन हो? ये सब यूनियन वाले हैं और मैं यूनियन का सदर हूँ। बताओ क्या काम है? काम तो बहुत जरूरी है साहब, जब से तुम आए हो सारा धंधा ठप कर दिया है। सारा काम खुद खड़ोगे कर लेते हो, किसी को ओवर टाइम का मौका ही नहीं मिल रहा। तो ये अच्छी बात है ना, हम लोग काम भी ज्यादा कर लेते हैं और तुम लोगों को ओवर टाइम भी नहीं करना पड़ता। हमारे लिए तो बुरा है ना यार, सारी मशीनें तुम ठीक कर लेते हो, हमारी दिहाड़ी मारी जा रही तुम्हारे चक्कर में। तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि तुम वर्कर्स के रास्ते में ना आओ। कल से ओवरटाइम भी बनेगा और मशीन पे सिर्फ वर्कर्स काम करेंगे। तुम ऑफिस में बैठ के अपना काम करो, क्यों वर्कर्स के बीच में आते हो? और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? तो फिर इसके अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तुम लोग मुझे डरा कर मेरी कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा, तेरा दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। नहीं आर्यन, जाने दो इसे, आज हमारी पाबंदियों का आखिरी दिन है, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। चले जाओ यहाँ से, वरना आज कुछ बुरा हो जाएगा मुझसे। जाओ, तो क्या करेगा तू? क्या हो रहा है यहाँ? और क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? खबर लेकर ही रहूंगा आज मैं। सुना नहीं? जाओ यहाँ से, वरना एसएचओ को बुला लूंगा। जाओ, आ जाओ। तुम खैरियत से हो आर्यन? क्या कह रहे थे ये बदमाश तुम्हें? कुछ नहीं हुआ सर, पुराना मामला सेटल करने आए थे, पर आज उनका दिन नहीं था। ठीक है, तुम जाओ, फैक्ट्री खाली हो गई है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, यहाँ अकेले काम मत किया करो इतनी रात गए। जी सर, जाओ। हेलो, एक सेकेंड। हाँ बोलो, काम हो गया? नहीं मैम, वो यूनियन वालों ने लड़के को घेर लिया था और बात अभी हाथापाई तक पहुंची थी कि आजम साहब पता नहीं कहाँ से आ गए, उन्होंने डांट कर लोगों को भगा दिया। तुम रहने दो, इतना सा काम नहीं हो सका तुमसे, मैं खुद कर लूंगी अब जो भी करना है।
हो आर्यन, तो तुम इस जाल से बच गए। मैंने सोचा था कि तुम्हारे अंदर का गुस्सा भड़केगा तो तुम शेरी की लगाई हुई शर्त हार जाओगे। चलो, अब तुमने मुझे आखिरी कदम उठाने पर मजबूर कर ही दिया है तो ठीक है, ये आखिरी दिन भी कट गया आर्यन। तुमने कर दिखाया आर्यन, यू डिड इट। आई लव यू वेरी वेरी मच। कहीं जा रहे हो? हाँ, नाश्ता तो आराम से कर ले यार। जी वो मैं मरियम से मिलने जा रहे हो ना? नहीं, मैं सही मिलूंगा। और यार मैं बात करूंगा कल शहरी से, फिर उसको मिलने जाएंगे, तो मेरे साथ चल लो। शेरी। हाँ, यहाँ किचन में ऑमलेट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो लैला कहाँ है? उसकी मैंने छुट्टी कर दी। क्यों? मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया है किचन में मत आया करो। तो क्या हो गया यार, तुम भी तो कुछ ना कुछ बनाती रहती हो। मेरे लिए मैंने भी बना दिया, अच्छा बनाऊंगा, खा के देखूंगा। अच्छा, वो तौकीर अंकल का फोन आया था। फिर? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बुला लो। बुला लो? हाँ बुला लो। तुम्हारे आर्यन ने सारी शर्तें पूरी कर दी। जीत गया तुम्हारा ही। बुलाओ, बुलाओ उसको। थैंक यू शेरी, तुम्हारे सपोर्ट के लिए। मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। कोर्स आई लव यू, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। एक सेकंड, फोक। शक्ल से तो बहुत अच्छा लगता है। शक्ल से तो नहीं अच्छा, टेस्ट बहुत अच्छा होगा।
मैं यहाँ बीच में खड़ी हूँ सड़क के, ये क्लिफ्टन हाई स्कूल के पास। आप कहाँ पर हैं? तो बताओ। हेलो, आप रहने दें, मत आए। अब भैया भाई वो हॉक्स में जाना है। बैठे, चलो 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 चलो। जानती मैंने इस दिन का किस तरीके से पल पल गिनकर इंतजार किया। दुनिया की सबसे बुरी चीज होती है इंतजार। पल पल हमारी जान लेता रहता है। तो मैं कहां सुकून और चैन में थी? मैंने भी एक एक पल गिन गिन के काटा है। जैसे कांटों पर तुम्हारा भाई जानता है तुम मुझसे मिलने आई हो? हाँ, उसी ने तो मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें आके बताऊं कि तुम हमारे घर आ सकते हो। Really? Wow. मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा भाई बदल चुका है। सुनो मेरी बात, मेरे भाई के बारे में कोई बात ना करना। जो भी हो वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके बाबा, आई एम सॉरी, कुछ नहीं कहता तुम्हारे भैया को। अब खुश? बहुत 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 खुश। आर्यन, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना है।
थैंक यू इसलिए क्योंकि तुमने अपने गुस्से पर सिर्फ मेरे लिए काबू किया। मैं जानती हूँ बहुत मुश्किल था। मुश्किल था। बहुत मुश्किल था। मगर जब कभी ऐसा वक्त आया, मैंने अपनी आंखें बंद करके दो लम्हे तुमसे बात कर ली और वो मुश्किल घड़ी टल गई। अच्छा, इतनी अहम हूं मैं तुम्हारे लिए? इससे भी ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पेशल हो तुम मेरे लिए।